मधुबनी में झंझारपुर रक्त सेवा समूह के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों रक्तवीरों ने अपनी कीमती रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर रविवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय से सटे इंडियन साइंस स्कूल महेशपुरा के प्रांगण में झंझारपुर रक्त सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। यह रक्तदान शिविर शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक दरभंगा के सहयोग से आयोजित था। कार्यक्रम का प्रारंभ ब्लड बैंक के प्रभारी रिटायर्ड सूबेदार मुकेश सिंह, डॉक्टर गौस अहमद, कृष्णदेव महतो अधिवक्ता, जिला कुशवाहा महासभा अध्यक्ष मधुबनी गंगा प्रसाद गंगोत्री शंकर प्रसाद, मुखिया दीप पूर्वी पंचायत रामनंदन महतो अधिवक्ता एवं अन्य समाज सेवियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया। इस रक्तदान शिविर में 50 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान किया। आपको बता दें कि झंझारपुर रक्त सेवा समिति लगातार अनवरत रूप से लोगों को किसी भी समय निशुल्क रक्त उपलब्ध करवाता है एवं समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करता आ रहा है। मौके पर जानकारी देते हुए संस्था के प्रदीप कुमार ने बताया कि रविवार को झंझारपुर रक्त सेवा समूह के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक दरभंगा ने रक्त संग्रह किया। इस रक्तदान शिविर में ज्योतिष पासवान, इंद्रजीत पासवान, लाल बाबू पासवान, शिव शंकर कुणाल, हसन संतान, जीवज कुशवाहा, सुमित सौरभ, नवीन कुमार, अशोक कुमार, मुकेश गौतम, अंकित झा, प्रियंका कुमारी, करुण कुमार, नवीन कुमार, महेश कुमार, आशु कुमार कर्ण, हर्ष कुमार कर्ण, नवनीत रंजन, उत्पल अन्वेश, वरुण कुमार, अभिमन्यु कुमार, केशव, अशोक कुमार, अरविंद मंडल, गोपाल, मोहम्मद मेराज अली, प्रवीण कुमार, करण सिंह, कमलेश प्रसाद, अशोक कुमार महतो, कौशल कुमार, सरवन कुमार, अरुण कुमार, उमेश कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, मुकेश कुमार, रमन कुमार, अरविंद कुमार, नरेश कुमार, आकाश कुमार, सुभाष कुमार, राजदेव प्रसाद, गीता कुमारी, शिक्षिका, अन्य लोगों ने अपना बहुमूल्य रक्तदान दिया। समिति के संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि अभी तक हमारे समिति के द्वारा सैकड़ों यूनिट ब्लड पीड़ितों में निशुल्क वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारे समिति के द्वारा देश के सभी राज्यों में किसी भी समय ब्लड बिना किसी परेशानी के उपलब्ध करवाया जाता है। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इतने सारे रक्तदाता एकत्रित होकर के अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किए, इससे आने वाले समय में जिनको इसकी आवश्यकता होगी समय पर आपूर्ति हो सकेगी, या इसके लिए हम सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और रक्तदान करने से इसके पूर्व भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लोग करते हैं कि रक्तदान करते रहने से हम स्वतः कितना स्वस्थ रह सकते हैं, यह रक्तदाताओं से जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। और रक्तदाता जो अधिक से अधिक दान कर चुके हैं, हमारे बीच कुछ ऐसे भी रक्तदाता हैं जो 10 बार 11 बार 15 बार तक दान कर चुके हैं। हम वैसे अपना रक्तदान सबसे पहले एम्स दिल्ली में एक पेशेंट के निमित्त ऑपरेशन के सिलसिले में किया था, उसके बाद कई बार दान किए हैं, लेकिन अब हमारी ये अवस्था एज फैक्टर के लेकर रिस्की जोन में हम चले गए, इसलिए हम दान नहीं कर पाते। नहीं तो हम भी अभी भी दान करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मेडिकल टीम उसको रिस्क जोन में मान करके नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम दो कैटेगरी सामान्य जनता को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दान कर चुके हैं, उनको हम नंबर वन कैटेगरी में रखते हैं। जो अभी तक दान नहीं किए हैं, उनको मैं सेकंड कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि उनको करना है। इस बात की महत्ता जब वो समझेंगे, जब उनके घर में भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, तब उनको यह समझ में आएगी। इसके लिए मैं दो कैटेगरी कर दिया हूँ, दान करना चाहिए लोगों को, और लोगों को रक्तदान से क्या फ़ायदा होता है ये दूसरे को बताना चाहिए। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात कर सकती हूँ। आज बहुत ही शुभ का दिन है उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें यहाँ उपस्थित जो भी रक्तदाता भाई बंधु हैं वो लोग उन्हें जानते नहीं हैं, फिर भी उनके लिए अपना शरीर का महत्वपूर्ण जो है एक रक्त जो है उनके लिए संगठित करके ब्लड बैंक में रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनको अगर किसी भी तरीके का ब्लड का आवश्यकता हो तो उनको मुहैया कराया जा सके। झंझारपुर रक्त सेवा समूह, जिसके बैनर तले अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, विगत कई वर्षों से इस तरह का जो है कार्यक्रम, हमें लग रहा है कि साल में 8-10 कार्यक्रम कर लेते हैं,
उनके संस्थापक को मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वो इस तरह का जो है कार्यक्रम करके समाज में जागरूकता फैला रहे हैं और जो भी हमारे समाज के जो ब्लड से जुड़ी है जो आवश्यकता है उनको पूरा कर रहे हैं। अभी आज ही हमारे पास एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था कि हमें 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। वो मित्र भी हमें यहाँ मौजूद ही हैं, तो उनको मैंने पूछा कि ठीक है आपके ब्लड का दवा सकता है, लेकिन आपके जिनको ज़रूरत है क्या उनके परिवार से कोई डोनर है या नहीं है? अगर है तो उनको दरभंगा या फिर पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको ब्लड जो है अपना गांव में ही उनको बोलिए ब्लड दे देने के लिए और उसके बदले उनको ब्लड जो है जहाँ उनको आवश्यकता है वहाँ पूरे बिहार में कहीं भी मिल जाएगा। तो अभी वो व्यक्ति आए हुए भी हैं ब्लड देने के लिए। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति को जहाँ ज़रूरत है उस टाइम पर वहाँ आदमी अगर नहीं भी पहुँच पाता है तो इसके माध्यम से पहले से जो दिया रहता है वो भी पूंजी के तौर पर उनको उपयोग आ जाता है और इससे जो भी व्यक्ति का जो फायदा हो रहा है ये पिछले कार्यक्रम में हम लोग बता ही चुके हैं। बार बार आप लोगों के दूसरे विजय के माध्यम से सबकी जानकारी हो ही रही होगी। एक बार पुनः मैं इसके जो संस्थापक हैं शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के जो संस्थापक हैं शुक्ला जी, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही झंझारपुर इंडियन साइंस पब्लिक स्कूल के महेशपुरा का जो व्यवस्थापक है उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस तरह का कार्यक्रम आगे भी भविष्य में निरंतर करते रहें और जो जरूरतमंद है उनको जरूरत को इस तरह से पूरा करते रहें।